हमारे अतिथि आज ये आए हैं यहाँ पर खास मकसद से आमंत्रित है, इनके एक एक शब्द को सुनिए। आप लोग वहां बैठे हैं, आप लोग इधर की तरफ आने की यात्रा के लिए वहां बैठे हैं। कोई 2 साल इंतजार करेगा, कोई 3 साल इंतजार करेगा, बस फिर जिंदगी का टेस्ट देना है और जिंदगी का संघर्ष लड़ना है। उसकी मानसिकता क्या होती है, उसकी सोचना कैसे बढ़ता है, एकेडमिक्स में कैसे जुड़ना होता है, एकेडमिक्स के अलावा इस सब गतिविधियां एकेडमिक्स के जुड़ने के लिए कितनी जरूरी है। अगर आपको एक्सीलेंस करना है अपने कौशल में, जॉब में, नौकरी में, आरएएस में, आईएएस में, किसी भी फैक्ट्री में, मैनेजमेंट में, आईटी में, कहीं भी आपको जाना है कॉम्पिटिशन है, तो इस दिमाग को विकसित कैसे करोगे? किताबों से नहीं, किताब एक छोटा सा पार्ट है। उस किताब को पढ़ोगे कैसे, उसको समझोगे कैसे, उसको लिखोगे कैसे, एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन इसके अलावा व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, उसको आप इस व्यक्ति से सुनिए। ये वो व्यक्ति है जो बिल्कुल 3 वर्ष पहले यही इस कॉलेज की मंच पर यहां पर गतिविधियों में था, और एक कैसे आप, ये व्यक्ति कुछ समय में 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज लेगा, मैं कहना चाहता हूं 1 करोड़ से ऊपर, यही व्यक्ति। तो दम क्या होता है ऐसा लेने का, उस सारी प्रोसेस को बहुत ध्यान से सुनिए। ये इन्हीं भी लेक्चर से अधिक इंपॉर्टेंट ये वार्ता है। मैंने खास रूप से कार्तिक से अनुरोध किया है, अपनी इस बात को सहज रूप से हमें बताइए कि वो किस मानसिकता से इस कॉलेज में आए, यहां क्या क्या किया, कैसे जिया, किसकी किस प्रोसेस से वो बना, उसको सुनिए आप, वो आपके लिए कीमती, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। मैं इस सारी पृष्ठभूमि के साथ में मैं कार्तिक रावत को आमंत्रित करता हूं। बच्चे, ये हमारा मुहिम है, परिष्कार एक हमारा सपना है, ये हमारा सपना है, और जितने बच्चे बैठे हैं इनके पिताओं का सपना है, इनकी माओं का सपना, इनके भाइयों का सपना, ये सब सपने बैठे हुए हैं। बहुत से अपने अभी बहुत समझ में नहीं है, यही समझ को पैदा करनी है हमको यहाँ पर, यही समझ को लेकर जानी है यहाँ से। उस समझ को हम लोग कैसे विकसित करें, हमारा यूथ कैसे डेवलप हो, तुम कैसे डेवलप हुए थे, अपनी उस 3 साल की इस कहानी के माध्यम से इन बच्चों को बताओ कि वो किस शानदार रास्ते पर जाना। और उसके साथ साथ मैं अनुरोध भी करूंगा बाद में, गले का जादू, वो क्रिएटिविटी का एक प्रोजेक्ट, जो गले की क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को भी बताओ, पहले बताओ, बाद में बताओ, कैसे भी बताओ, उसको बताओ, उसमें क्या सोचना होगा, इसी गले की नसों को क्या इंस्ट्रक्शन देना होता है, तब जाकर के वो आवाज पैदा होगी, उसको भी बताओ। ओके कार्तिक, समझ नहीं आ रहा कहां से बात स्टार्ट करूं, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस कॉलेज में आए। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कॉलेज में एंटर किए तो पता चला कि शायद अब भी होगा वो कि मोबाइल बाहर रख लेते हैं, अभी भी है ना, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, खैर तो मोबाइल बाहर रख लेते हैं। आप कॉलेज में अंदर जाइए, अंदर जाते हैं तो आपको कोई क्लास बंक नहीं किया दिए जाना चाहते, राइट, तो आप कोई क्लास भी बंक नहीं कर सकते। कौन कौन बंक करते हैं क्लास? अच्छे अच्छे बच्चे, बता दिया मैम, देख लीजिए इनके चेहरे, सर यही हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि वेन यू एंटर इन कॉलेज, राइट, तो
आपको बहुत सारी चीजें लाइक आपको पता नहीं होता है कि आप क्या करने वाले हो, आपके साथ कॉलेज में क्या होने वाला है, ठीक है, इन तीन साल जितने भी टाइम आप रहते हैं यहाँ पे, तो बट कुछ नहीं, आप धीरे धीरे फ्लो के साथ चलते हो और प्रोसेस से सीखते हो। तो मैं मेरी बात कहूँगा कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो ठीक है, एक एवरेज बच्चा था, कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स हुए तो मैंने कॉलेज टॉप किया, ठीक है, पहला अचीवमेंट। आप कितने, फिर कॉलेज टॉप किया तो सेकंड ईयर में आए, तो सेकंड ईयर में हम लोग जाने लगे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, कोई गया है अभी तक, कोई जाना है बच्चे, एक दो चार पांच बस, ठीक है, बस ये दस मैक्सिमम 20 बच्चे मान लो, कितने बच्चे हैं कॉलेज में, शायद 2000-4000-5000 के ऊपर होंगे शायद, ठीक है, उसमें से 10-20-30 बच्चे बस। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी किसी भी कॉलेज में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन हो वहां पे ये ऑरेंज टी शर्ट दिखनी चाहिए, परिष्कार दिखना चाहिए वहां पे, ठीक है, इसके पीछे कई वाक्य है। तो हमारा पहला इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था ट्रिपल आई एम, जानते हैं ट्रिपल आई एम सब, ट्रिपल आई एम कॉलेज यहाँ पे। तो हम सेकेंड ईयर में थे, मैं और मेरे एक दोस्त, हम लोग गए उस कॉलेज में और हमको कुछ पता नहीं था, सब सीनियर थे वहां पे, हम वी आर दी ओनली वन जूनियर्स थे। तो हम गए, हमको कुछ पता भी नहीं था क्या करना है, तो वहाँ पे वॉलेंटियर्स ने उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आप रजिस्ट्रेशन करा लो और जिस गेम में जिस कॉम्पिटिशन में आपको पार्ट करना है उसमें ले लो, ठीक है, हमने ले लिया। सबसे पहला हमारा कॉम्पिटिशन हुआ, शायद पीसी वाले बच्चे भी समझेंगे और अब तो शायद सब लोग समझते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, समझते हैं सब, राइट। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में जब हम लोग ने एंटर किया, उसमें कई लैंग्वेजेस आती है, HTML, CSS, JavaScript एंड ऑल, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग उस कॉम्पिटिशन में गए, हमने वहाँ जाके 10 मिनट बाद ये रियलाइज किया कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो बैठे हैं BCA थर्ड ईयर के, जब हम BCA सेकेंड ईयर में थे, और MCA के सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये सब लोग हमारे साथ बैठे हैं और वी आर दी ओनली वन जूनियर्स थे। तो अब क्या करें, चलो ठीक है, पहले कॉम्पिटिशन पूरा करते हैं, कुछ बना के दे देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। तो हम लोग ने वेबसाइट जैसे वैसे करके हम लोग ने बनाई और बना के अब हम शांत हो गए, मतलब टाइम पूरा हो गया और जो भी जजेस थे वो देख रहे थे उनकी वेबसाइट को, कौन क्या कैसा किया, कौन कैसा किया। मैं और मेरा दोस्त, अब हम लोग को ये था कि हम तो हार रहे हैं, हम तो नीचे से फर्स्ट आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा कहाँ कॉम्पिटिशन इन लोगों के साथ, ठीक है। तो पहला कॉम्पिटिशन था, पहला इंटर कॉलेज, उसमें क्या हुआ, जब रिजल्ट अनाउंस किया तो हम लोग उसमें दो प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट रैंक और रनर अप, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो ऑल्दो फर्स्ट तो नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हम सेकंड आ गए और उन लोगों को पछाड़ते हुए एमसीए बीसीए थर्ड ईयर, और ये लोग बच्चे थे जो कि हम लोग थे उस टाइम बीसीए सेकंड ईयर में, सेकंड, ठीक है, याद रखना, उंगलियों पे गिनते रहना। उसके बाद हम लोग तीन चार इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में गए और जाते रहे और जिस भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में गए उसमें जीत के आए, जिस किसी भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में गए उसमें हम लोग जीत के आए, मतलब परिष्कार जीत के आया, ठीक है। एक वाक्य ऐसा हुआ कि एक दिन हम लोग गए कर्नोया कॉलेज, ठीक है, कर्नोया गर्ल्स कॉलेज, और जैसे ही हम लोग, मेरा दोस्त, हम लोग ने एंटर किया उसमें, तो हम तीन चार बच्चे बैठे थे दूसरे कॉलेज से, ठीक है। तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, हमें देखते ही क्या परिश्रम वाले आ गए, अब ये सब ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ हुआ। उसके बाद आई डोंट नो सर मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लाइक आई वाज अ मेरिट टॉपर, मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉप किया था बीसीए सेकंड ईयर में, और वो बीसीए में परिश्रम में परिश्रम की पहली मेरिट थी जिसमें मेरा नाम था। एक बार और जैसे मैम बता रही थी कि 200% अटेंडेंस वाला, आप लोग आधे शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे, तो इसमें क्या होता था, मतलब मैं क्या किया करता था, मैं सुबह 7:30 कॉलेज आता था यहीं से इस गेट से, और मैं शाम को 6:30-7 बजे यहाँ से निकलता था, ठीक है। मैं पूरा दिन कॉलेज में रहता था, गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, आई डोंट केयर, मैं पूरा साल, तीन साल पूरे दिन मैं ऑफ कॉलेज आया हूँ और मैं यहाँ पे मतलब यही रहा हूँ,
और हमें कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो यहीं पे किया है सब कुछ, ठीक है। तो सेकंड ईयर की बात हुई है कि सेकंड ईयर में मैंने टॉप किया, ये भी सेकंड ईयर की बात हुई। अब आया थर्ड ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर में क्या कि पीडीओ मैंने मतलब पूरा 2-3 महीना में यहीं रहा, कभी कभी तो 2-3 हफ्ते में एक बार घर जाया करता था, मैं घर ही जाता यहीं रहता था, ठीक है। तो जैसे पीडी खत्म हुआ तो सब लोगों से जानकारी हुई, और ज्यादा बढ़ा, और ज्यादा सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब थर्ड ईयर का रिजल्ट आया तो उसमें क्या होता है कि जब एग्रीगेट परसेंटेज निकलती है और एग्रीगेट मेरिट लिस्ट निकलती है थर्ड ईयर में भी, तो आई वाज द फोर्थ रैंक इन ऑल ओवर राजस्थान। अब ये तो बात हुई एकेडमिक्स की, सिर्फ एकेडमिक्स की बात की थी। अब बात कर लूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद बोर हो रहे हो क्या आप लोग, बोर हो रहे हो क्या? नहीं होने भी नहीं दूंगा। देखो ये थी नॉन एकेडमिक्स की बात करते हैं हम। मैंने यहाँ पे आके इतनी परफॉर्मेंसेस दी है इस स्टेज पे, आज भी खड़ा हूँ इसको भी मिला लूंगा, तो आप लोगों ने शायद आधी के बराबर भी नहीं दी होगी। अब 3 साल में दोगे तो भी अब आधी भी नहीं दे पाओगे मेरे से, ठीक है। तो ये तो थी नॉन एकेडमिक्स की बात। अब ये सब बातें जो अगर आज मुझे बुलाया गया, आई एम वेरी प्लेजर, ठीक है, आई एम रियली रियली प्लेजर टू द कॉलेज, टू द सर, टू द मैडम कि आई वॉज इन्वाइटेड ओवर हियर। बट यू नो लाइक आई कांट इमेजिन, लाइक नोबडी यू, लाइक आप लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आई वॉज वन ऑफ यू। मैं भी ऐसे ही कहीं बैठा रहता था और मैं आज यहाँ पे हूँ। टू बी ऑनेस्ट सीरियसली, लाइक आप खुद सोचो कि आप यहाँ पे बैठे हो और किसी 3-4 साल बाद यू आर स्टैंडिंग हियर एंड गिविंग दिस स्पीच, राइट। तो आई एम वेरी प्लेजर अबाउट दिस। तो ये सब कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप पढ़ो हर इस चीज। मैं थोड़ा सा बीच में यहाँ बच्चों की तरफ से सवाल कर रहा हूँ आपकी गार्ड से। दरअसल हम लोग स्कूल से यही सिखाई जाती है कि किताब पढ़ो, उसमें से अच्छे नंबर लाओ, 90% 95% नंबर लाओ, ये सब है। और अगर हम लोग इधर उधर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हम लोग अब समय देंगे तो हमारा समय खराब होगा। ये क्या डांस वांस लगा दिया बीच में, 1 घंटे पढ़ दे तो कुछ मिलता तो सही, और हमको तो डांस करना ही नहीं आता, हम कैसे डांस करेंगे। ये सब सारी चीजें सोचते हैं। इसमें भी अभी जितने बच्चों को आना था वो नहीं आए, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की लेकिन यहाँ के डर से नहीं आए, और उसकी वजह से ये बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये सब नॉन एकेडमिक्स हमको नौकरी दिलाने में बाधा ही पहुंचाएगी, नौकरी लेने में ये कहीं हमारी मदद नहीं करेगी। ये कैसे हुआ कि तुमने यहाँ सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी और फिर कॉलेज के कॉलेज के टॉपर भी रहे, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रहे, उसकी स्पोर्ट पोजीशन भी ले पाए, और मल्टी नेशनल कंपनी जर्मनी ने तुमको यहीं पर बीसीए करने से पहले सेलेक्ट कर लिया, और अब तो तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे हो। इसका क्या रिलेशन है, तुम थोड़ा फ्रीडम से इसको समझाने की कोशिश करो। हमारे जी सर, किसी भी नौकरी में जाएंगे, किसी भी जॉब में, तो एक सरकारी हो या प्राइवेट, ठीक है, आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसे है। आप लोग शायद अभी तक सब नहीं सुन रहे होंगे, इंटरव्यू में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कभी गलत भी बोले तो भी आपको कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। ये सब सुना है सबने, सबने सुना होगा ये बात।
तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो क्रिएटिविटी है, वो कहां से आएगी? लाइक आपके पास आप जब तक परफॉर्म नहीं करोगे, लोगों के सामने बोलोगे ये भी बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया और क्या इनाम प्राप्त किया। मेरा एक सवाल और है, ध्यान से सुनना मेरे सवाल को। हम कहां पिछड़ते हैं जिंदगी में, उसको सुनना, आप भी सुने और टीचर्स भी सुने। हम अपने भले के बारे में सोचते हैं हमेशा, माँ बाप भी हमको कहते हैं कि तुझे दूसरों से क्या मतलब, तू अपने काम से काम कर, अपनी किताब पढ़, अपने नंबर ला, अपनी नौकरी लगा। लेकिन कार्तिक तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बीसीए थर्ड ईयर में थे और तुमने यहां पर 2-3 महीने तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कैंप में वॉलंटियर की तरह तुमने समय दिया, काफी समय दिया तुमने। वो जो अलग अलग तरह के स्कूल के लड़के आ रहे थे उनको तैयार करने में तुमने अपना समय दिया, थर्ड ईयर था तुम्हारा, उससे तुमको क्या लाभ मिला? क्यों किया तुमने? उससे तुमको क्या घाटा हुआ? तुमको क्या लाभ मिला? सर एक्चुअली उसमें क्या हुआ था कि जैसा आपने बताया कि अलग अलग तरह के बच्चे 12th से निकल के फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो सभी से किसी ना किसी एक से सर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ भी। लाइक आप छोटी से छोटी चीज भी देखोगे तो किसी ना किसी से जो आपको नहीं आती है लेकिन आपको दूसरे से सीखने को मिलती है। प्लस जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स हैं वो किए किस लिए जाते हैं? कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जाए, राइट? तो जैसे वो लोग बच्चे कर रहे थे उस टाइम पे, मैं भी उस टाइम डेवलप हो रहा था, मैं भी अपने आप को डेवलप कर रहा था उन्हीं बच्चों के साथ। लेकिन उनको पता नहीं होगा कि मैं उनको जज कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, बट आई वॉज ऑल्सो डेवलपिंग दैट। अपने से बाहर निकल कर दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे दिमाग की वो क्षमताएं विकसित होती हैं जो सामान्यतः स्वार्थी ढंग से सोचने से कोई नहीं सकता। अब दूसरे से जुड़ के हमारा सोशलाइजेशन मजबूत होता है, और दूसरा इस तरह से कैसा इंडियन में कैसा बदला, ये जो बहुत बार बार का एक्सपीरियंस इस गेम में ये लगता ऐसा आया था ये से बदल गया, इस दूसरे गेम में ये लगता ऐसा आया था ये बदल गया, तीसरे गेम में लगता ऐसा आया था ये बदल गया। एक बदलाव की प्रक्रिया में जो कॉन्फिडेंस आता है, ये कॉन्फिडेंस केवल अपने से बाहर निकल कर जैसे गेम से हो सकता है, वो खुद के साथ अपने साथ जुड़े रहने से नहीं हो सकता। एक पर्सनल सवाल इन सब लड़कियों का होगा। हमारे बेंच में अच्छी लड़कियां थी, अच्छी लड़कियां थी।
दूसरे साथियों के साथ बैच वाले बैच में रहा है। आपका सवाल पूछना इसलिए, अब उत्तर सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या आपका सवाल है? तुम्हें भी, तुम्हारे भी हार्मोन्स में डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हें भी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण फील हो रहा है, तुम भी उनके साथ पढ़ रहे थे, वो भी तुम्हारे साथ पढ़ रही थी। इसके बावजूद तुम अपने कैरियर को लेकर के क्या सोच रहे थे? कैसे अपने आप को बचाया? कैसे अपने आप को अपने लक्ष्य तक तय रखा? कैसे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया? वो कौन सा सोच था, वो कौन सी कल्चर थी, वो कौन सी तमीज थी, वो कौन सा व्यवहार था, वो कौन सा कौशल था तुम्हारा? इस सब चीज के बीच में से तुम बहुत सफलता प्राप्त कर सके। सर माइंड में एक चीज क्लियर थी ना, गोल क्लियर था कि आप अगर ऐसा ही करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आपको चाहिए वो, अगर वो चीज चाहिए आपको तो उसके लिए आपको पहले इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर वो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सी व्हाट यू पीपल आर इन एज नो सो एवरीबॉडी इज लाइक दैट, राइट? तो ऐसा नहीं है आप ही के साथ ऐसा होता है, या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा था, या मेरे साथ ही ऐसा होगा, नहीं, सभी के साथ होता है, एवरीवन लाइक। तो आपको क्या मतलब कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पूरा दिन कॉलेज में भी अगर रहो ना तो ऐसे सोचो कि हाँ ये चीजें कर लूंगा, लेकिन पहले ये तो कर लू, पहले ये कर लू फिर वो कर लूंगा, तो हो जाएगा और हो जाएगा, देखना तो मिल जाएगा। ओके, मैं आपकी ओर से आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, या फिर से आप ही का सवाल पूछूंगा। सवाल ये कि हम जब किसी क्लास में पढ़ते हैं तब हमसे कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ लोग कमजोर होते हैं, तो कमजोर वाले को हमको ज्यादा टेंशन नहीं देते, टेंशन वो देते हैं जो हमसे होशियार होते हैं। और शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर जब आप किसी खास पोजिशन पर पहुंच जाते हैं तब आपको फिर टेंशन होता है कि पोजिशन मेरे से छिन, एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है। तो जो लोग अपने लिए कुछ बनना चाहते हैं वो इस कॉम्पिटिशन के इस प्रोसेस में, कॉम्पिटिशन की इस यात्रा में, वो कैसे अपने कॉम्पिटिशन के ऊपर बरकरार रखते हैं, तुमने कैसे बरकरार रखा? सर सिंपल प्रोसेस है, पहले आप अपना 100% दो, ठीक है? आपने अपना 100% दिया, अब अगर रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है, नाउ यू सी अदर पीपल्स, ठीक है, कि अदर लोग, बाकी लोग क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो जैसे आप अपना 100% देंगे, उनके 50% तक भी आओगे ना, अगर उनके 50% तो आपका कितना होगा 150, और उनका कितना था 100, तो ऑटोमेटिकली उनके बराबर आ जाओगे। यहाँ पर विराम करके और दो तीन को भी जाना है, ये अपने घर से काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, इसलिए बहुत सा समय बीच में चुरा करके आपके लिए आए हैं। इसमें बीसीए वाले स्टूडेंट्स बहुत कितने के हाथ खड़ा करो, बीसीए स्टूडेंट्स, या बीसीए स्टूडेंट्स के लिए मैं बाद में अलग से आर्थिक को और हो सकता है उनके मित्र शुभम को उनसे आपसे अलग से बात कराऊंगा, ताकि आप लोग भी बीसीए के स्टूडेंट्स हैं तो अपने सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, अपना अच्छा प्लेसमेंट कैसे कराएं, इस पर मैं आप लोगों से बात कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आपकी टीम ने बहुत शानदार, खड़े हो गए, खड़े हो गए, ताली बजाओ, खड़े हो गए, ताली बजाओ, ओह यस, खड़े हो गए, खड़े हो गए। मैं कार्तिक से अनुरोध कर रहा हूँ, सुनिए आप ध्यान से उस क्रिएटिविटी को जो गले की है और जो कार्तिक ने यहाँ पर डेवलप की,
उसके लिए कितना दिमाग चाहिए, उसके लिए कितना मैनेजमेंट चाहिए, उस गले की आवाज को सुनिए वो क्या कौतुक है, और कोई व्यक्ति कैसे उसको डेवलप कर लेता है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले, ये कंप्यूटर साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गले से। या सुनिए, राइट, ठीक है, और वहां पे डीजे बज रहा है तो आपको सुनाई देता है बहुत बहुत जोर से सुनाई देता है, राइट, तो कैसा था? और एक आप उस रूम को बंद कर दे और बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो कैसा सुनाई देता है? चार का मैं इस वाले भी देता हूं। तो एक एक नई बीट बॉक्सिंग है वो देखता है कैसा होता है। दिल की धड़कनों की आवाज क्या होता है कि जब कोई टीवी सीरियल चल रहा है और उसमें कोई बजने वाला होता है तो लास्ट में जो आवाज आती है धड़कन की, सुने सुने कैसा लगा?